सबसे अंत की अर्जी स्वीकार हुई बबलू नाम की, सबसे अंत में लास्ट में कंडाल के बीच में बबलू नाम के भाई साहब है, किसी दुकान के पास खड़े हुए हैं, घर से अर्जी लगा करके आए हैं। उनके परिवार की एक सदस्य ने कहा YouTube फैमिली गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का समय ऐसा है कि अपन बागेश्वर धाम की कथा सुनने जा रहे हैं, तो भोपाल में है तो अपन अभी चल रहे हैं, वैसे बस से ही आप ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे का सीन। अपन अभी उतर चुके हैं और अभी काफी भीड़ भी है, तो दिखाते हैं, देखो पब्लिक जा रही है आगे, तो सब जा रहे हैं, बस यहाँ लास्ट है, यहाँ तक अब पैदल चलना है आगे, देखो पीछे सब पब्लिक आ रही है। गाइस बस पहुंच गए हैं, ये सामने ही है, बाकी देखो यहाँ से काफी भीड़ है और ये पूरा सीन, ये देखो ये है यहाँ से इंटर पॉइंट, बाकी ये पब्लिक भी ढेर है, वहीं से चलते हैं। आप कहाँ जाते हैं? देखो अंकल जी तिलक लगा रहे हैं अपने को। राम 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 ऐसे तिलक लगा दिया हमने और अब अपन चल रहे आगे, आपको पीपल्स मॉल दिखाता हूँ यहाँ पर भोपाल में, और देखो काफी पब्लिक जा रही है अंदर। ये पीपल्स मॉल पानी वितरण हो रहा है गाइस, और ये इस साइड और जाना है आगे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking the. लेते हैं गाइस। वाओ यार ब्यूटीफुल, सस्ता ताजमहल। यहाँ से अंदर है एंटर। ये एफिल टावर, पीपल्स स्मार्ट सिटी। बट रहा है प्रसाद। फाइनली पहुंच गए गाइस, ये लगा है दरबार और ये इतनी पब्लिक है यहाँ पर, तो आगे अभी अंदर चलते हैं। गाइस आ चुके हैं ये आप। मनमोहक वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान तुम्हें प्रणाम। और सभी को इसके बाद भैया दूसरा गुरु जी सीताराम कहाँ निकल पाओगे? सीताराम गजेंद्र नाम का बालक एलईडी के
के पास में गजेंद्र नाम का एक नंबर पंडाल से, हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। अरे भैया डका मची रे, क्या हो गया? अरे क्या कह रहे, क्यों कह रहे? बिल्कुल जगह नहीं, मैं देखा आपसे ही हैरानी दूर हुई है। बालाजी कृपा कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो बन लो भैया, माटी लेता आइयो घर से, जो मैंने मंत्र लिखो, तीन माला कर, धाम की बेसी कर, धाम पे जो धाम पे रहे, धाम पे आओने, ठीक है? जा, जय जय हो जय। दूसरी बात, घर का बंदेज अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के नाम का झंडा लगा दो। तीसरी बात, आपके भवन का कार्य भी पूर्ण होगा, जी बीमारी जो घेर है इसमें भी आराम लगेगा। चौथी बात, आय के स्रोत भी बन जाएंगे, बीच में कलेश बहुत हो जाता है, कलेश दूर होगा। गांठ की जो दिक्कत है वो गलत है, कोई भी इनके घर से तुम्हारे कोई भी गांठ नहीं है, चिंता ना करो आशीर्वाद। लगभग लगभग जाना है कि बहुत ही भक्त हैं, इनकी कोई अर्जी नहीं है, इनका कोई प्रश्न नहीं है, केवल जो है प्रणाम करने के लिए आए। क्या यही है? सीताराम चार कर दे तुम्हारे कमाई। देखो कैसे बुला लिया, सुनता से आपके ऊपर प्रेत बांधा। 6 साल से हैरान है, 6 साल से हैरान है, बेटी माता का हवन करवा दे, सभी लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा, पुरानी बकरी की बेदी माता का उपाय करवाना है, आशीर्वाद है। एकदम सही, बड़ा माई से बोलो, कोई संदेह? एकदम सही बोलो। सीताराम सीताराम, साधु जी सीताराम। हाँ तब तक ये जो लाल टोपी लगाए कराते हैं, आप जा, बहुत बदमाशी दे रहे हैं, आगे के लगे आजा खतरी के बरे। बागेश्वर वहाँ कोने में रेलिंग के पास पीला कपड़ा सिर पर, आपको साथी भी बुलाना चाहता हूँ। किसके साथ? मेरे साथी में पापा से भी बोल दिया हूँ, बाबा आएगा, मैं बोल दिया हूँ, पापा बोलने वाला काफी भीड़ हो गई है बहुत। तो वहाँ पर आप त्रिपिटी साफ करवा गया जी, बहुत भीड़ हो गई है गाइस, और अब बाहर आ गए, बहुत भीड़ है, और यहाँ हो रही है चाय वितरण सफीरी अम्मा जी। टाइम हो गया आप घर चल रहे हैं अपन? केला वितरण हो रहा है यहाँ पर, और घर की ओर बढ़ रहे हैं कदम। जय हो बागेश्वर धाम। बाय। घर की ओर बढ़ते हुए